ऑयल लगा हुआ है क्योंकि किया नहीं था, आधा घंटा ना आई है ये लड़के, शैम्पू नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है ट्यूसडे अगेन, शाहनवाज का ऑफिस, अनाया का स्कूल, मॉर्निंग हो गई है, अनाया मैडम उठ गई है तो अभी रेडी होती है, फिर आप लोगों से मिलवाती हूँ। बाकी आज देखते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, आज विल सी क्या रेसिपी शेयर करती हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है तो देखते हैं क्या बनाते हैं आज। सो ब्रेकफास्ट में तो बनाया मैंने ऑमलेट, बटर टोस्ट एंड कुछ वेजी सौते की पनीर के साथ। और देखिए अनाया मैडम रेडी हो गई हैं। स्कूल के वाटर से पानी कौन पीता आधा ब्रेड खा के तो मैं डकार आ गई इधर दिखाइए जरा अपनी चोटी अनाया के बाल बड़े हो गए ना नासरुद्दीन उज्जा नासरुद्दीन उज्जा मेरी स्टोरी में, इस स्टोरी में जज है चलो। सो सारे काम हो गए हैं, अब चलते हैं किचन में, भाई भी उड़ गया है एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाया जो लंच में भी हो जाए। तो मैं दाल राइस बना रही थी तो मैंने सोचा चलो ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो 1 आवर भिगोई है मैंने चने की दाल एंड नाउ इसे बॉयल करेंगे विथ सम हल्दी एंड सॉल्ट। वो वीडियो आई थिंक शूट नहीं हुआ एंड बाकी देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर चॉप कर ली है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। दाल यहाँ पे बॉयल हो गई है, बहुत ओवर कुक नहीं करना है, देखिए ऐसे खड़ी खड़ी रखना है। तो सिर्फ सॉल्ट और हल्दी के साथ मैंने इसे बॉयल किया है और अब हम रेडी करेंगे इसका मसाला। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरा एंड 1 लार्ज अनियन चॉप की है मैंने तो वो ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही डेलीशियस। अनियन को ब्राउन करेंगे और इस दाल के साथ आपको कोई सब्ज़ी, सैलड, रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही यमी मसालेदार दाल बनने वाली है। नाउ 2 मीडियम साइज्ड टोमेटोज ऐड किए मैंने फाइनली चॉप्ड एंड इसके बाद ऐड कर देंगे सारे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हल्दी अराउंड 1/2 टीस्पून, देन कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, देन जीरा पाउडर, रेड चिली। मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ और वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने पैकेट से ही डाली, आप अराउंड 1 टीस्पून ही ऐड करें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अभी मैंने नहीं ऐड किया बिकॉज दाल बॉयल करने में भी था तो वो मैं बाद में डालूँगी टेस्ट करके। तो इसे अच्छे से हम कुक करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि ये जो टोमेटोज़ हैं, जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें ये अच्छे से कुक हो गया। अब इसमें जो बॉयल्ड दाल है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है, ढाबा स्टाइल दाल इसी तरीके की होती है, लाइक वो मसाला बना हुआ होता है, दाल बॉयल्ड होती है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स, वो फिर मिक्स करते हैं। और एक और अभी इसमें तड़का लगेगा लास्ट में,
तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि दाल और जो ग्रेवी मसाला है वो सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करूंगी, थोड़ा सा इसमें डलेगा अभी क्योंकि अराउंड 1 टीस्पून मैंने डाला था, 1/2 टीस्पून के तकरीबन अब ऐड करूँगी। ये देखें तो अच्छे से घोटना भी है, थोड़ा सा मिक्स भी करना है एंड अब हम इसे कवर करेंगे और थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स। वाओ, है ना बहुत ही सिंपल और डेलिशियस सी रेसिपी। और अब हम इसमें लगाएंगे एक और तड़का, तो थोड़ा सा घी लिया है मैंने एंड इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक। मैंने गैस ऑफ कर दी बिकॉज घी तेज हो गया था गरम एंड करी लीव्स और ग्रीन चिलीज। एंड फाइनली दाल को देंगे एक अमेजिंग सा घी का तड़का और ये गार्लिक क्रश्ड बहुत अमेजिंग लगता है। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे डालूंगी लेमन जूस एंड थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स और हेयर आर ढाबा स्टाइल चना दाल इज रेडी। साथ में मैंने बनाए हैं जीरा राइस एंड माय यमी लंच इज रेडी एंड बिलीव मी इट्स सुपरबली अमेजिंग एंड डेलिशियस। बस उसके बाद शाम को नाया को छोड़ा बैडमिंटन के लिए मैडम रेडी हैं। काफ़ी लोग आए थे आज खेलने के लिए, हम गए थे लास्ट संडे और फिर ये देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, दोनों का जिंगा। मैं सुन रही थी मजलिस और 2 टाइम शाहनवाज जीते, तो अनाया का मुंह देखिए ज़रा अच्छा गेम है। अब इसमें से बीच में से आपको ब्रिक्स निकालने हैं एंड मेक श्योर कि आपका टावर गिरे ना और ऊपर आपको प्लेस भी करने हैं। और फिर अनाया की क्लास भी थी। देखिए नौटंकी इसकी अनाया तुमने शैम्पू कैसे किया, ऑयल लगा हुआ है आधा घंटा ना आई है ये लड़के शैम्पू नहीं किया था। अच्छा देखो मम्मा के देखो। अच्छा ये बताओ, कल ये बताओ आज की वो अच्छी थी दाल, अच्छी थी दाल, अच्छी थी दाल राइस अच्छे थे। चलो अच्छा आप होमवर्क कर लो पहले। ये वाला गाइस ये वाला बता सकते हैं आप, इसका है अ रेक्टेंगल पेपर हैज बीन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स डू वी हैव इन टोटल नाउ। ऑप्शन 1 8 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स, ऑप्शन 2 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स, 3 4 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स एंड जस्ट डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन 4 एजेस एंड 12 कॉर्नर्स। सो डू वन थिंग, वेयर इज दैट पेपर जिस पे आप ये अभी क्विज कर रहे थे, जस्ट गो कमेंट में बता दीजिए। तो जब तक ये कमेंट में बताएंगे तब तक आपका इसका टाइम निकल जाएगा। अरे आप कमेंट में यू आर नॉट लाइव। पेपर लेके आओ कट करके, देन फिर जस्ट सी कि हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स। मैंने उस पेपर से तो वो बना दिया। क्या बनाया दिखाओ, ये लड़की ना दिखाओ क्या बनाया।
ये हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में यहाँ पर। कलर कलर विच कलर डू यू चूज? कलर कलर फिर से? कलर कलर विच कलर डू यू चूज? बट देयर इज नथिंग, दिस वाइट वन, दिस वाइट वन, दिस वन। नंबर नंबर विच नंबर डू यू चूज? इवन और ऑड? चलो गुड, इवन और डू योर होमवर्क, इवन और ऑड, इवन और ऑड मम्मा। So, बस ये था आज का पूरा दिन। यस, अभी मैं बताती हूँ। तो आज सिंपल सी रेसिपी शेयर की, बट बहुत ही यमी थी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने की दाल। अनाया को भी बहुत अच्छी लगी और हमने भी बहुत यमी यमी दाल राइस खाए, राइट? सो बस इसी तरह दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, बाय, सी यू सून। अभी नहीं सोने जा रहे हैं, मम्मा को नहीं क्यों बोल रही हूं? हां अभी अभी सोने नहीं जा रहे हैं, बट okay, स्टिल सो जाओगी। मैंने सोचा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यहीं पे एंडिंग कर देते। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।